जय श्री श्याम दोस्तों, आपको हम लोग आज लेके आए हैं खाटू श्याम जी के पावन नगरी में। आपको हम लोग दर्शन कराने वाले बाबा खाटू श्याम जी के, आपको पूरा हम लोग बताएंगे कैसे दर्शन करना है, कितना टाइम लगता है, कहाँ से प्रसाद लेना, कहाँ रुकना है खाटू श्याम में, और आपको पूरा हम लोग कहानी बताएंगे खाटू श्याम के बारे में। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलते सीधा श्याम बाबा के दर्शन करने के। जय श्री श्याम। एक साथ हम लोग उत्कर्ष सिद्धि कैंप पहुंच चुके हैं जो कि जयपुर का बस स्टैंड है। यहाँ सारा बस मिलता है, तो अभी हम लोग खाटू श्याम जाने के लिए जयपुर से ये बस पकड़ेंगे। का प्राइस हम लोग को पड़ रहा है 120 रुपये पर हेड एक आदमी का। तो चलिए अभी हम लोग लगेज वगैरह रख ले रहे हैं, तो इसी के साथ हम लोग निकल चलते हैं खाटू श्याम के लिए बस से। और लगभग 2-3 घंटे लगते हैं हम लोग को पहुँचने के खाटू श्याम जी। तो चलिए जय श्री श्याम बोल के चलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का खाटू श्याम में बस उतर चुका है। ये रहा बस, हम लोग खाटू श्याम के साथ पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे अपना होटल वगैरह धर्मशाला में रुकने, धर्मशाला में फिर अपना सामान वगैरह रख के फिर जाएंगे सीधा बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर श्याम बाबा का झंडा वगैरह मिल रहा है जो कि मंदिर के बाहर हम लोग रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर जी के पास आपको बहुत सारा यहाँ मिठाइयों की दुकान, साथ में जो झंडा वगैरह सब मिल जाएगा। और बगल में आपको रास्ते रास्ते पे होटल वगैरह खाने के आइटम सब मिलते जाएंगे। हम लोग टोटो से एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग रुके श्री गणेश गेस्ट हाउस में। यहाँ का रूम हम लोग को पड़ा है 700 रुपया। आपको यहाँ पे होटल्स 500 से लेकर 700 या 1000 के बीच में मिल जाएगा, आप जितना आदमी है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी साथ हम लोग आ चुके हैं श्री श्याम द्वार पे। देखिए जय श्री श्याम लिखा हुआ है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने मिलेगा, और यहाँ पे बहुत भक्तजन फ़ोटो भी खिंचाते हैं यहाँ जय श्री श्याम इस श्याम द्वार पे। और देखिए काफ़ी लोग झंडा लेके वहाँ खड़े भी है और जाते सीधा मंदिर की ओर। देखिए इस रास्ता ये मंदिर जाने का हो रहा, श्री श्याम द्वार पे हम लोग देख चुके हैं, वहाँ दर्शन भी कर चुके हैं। हम लोग आ रहे सीधा रास्ता मंदिर की ओर, श्याम बाबा के मंदिर। और देखिए काफ़ी भी भक्तजन यहाँ पे ऐसे निशानी ले आते हुए, ये देखिए झंडा। हम लोग भी चल रहे सीधा श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। एंट्री खाटू श्याम पैदल यात्रा मार्ग है देखिए मंदिर जाने के लिए, और यहाँ से मंदिर मार्ग है। लोग ये पेड़ा ले रहे हैं जो कि 400 रुपये किलो है। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए सब लोग खड़े हैं। और यहाँ को देखिए इतने सुंदर सुंदर श्याम बाबा की निशानी भी देखने मिल जाएगी जो आप ले आ सकते हैं अपने साथ। और दोस्तों अभी हम लोग टीका भी लगा चुके हैं देखिए जाल पे, राधे राधे वाला। और बस हम लोग मंदिर के पास पहुँच ही गए और हम लोग चलिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए सीधा अंदर चलते हैं। जय श्री श्याम। इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं खाटू श्याम मंदिर के एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। आपको मंदिर की टाइमिंग बता देते हैं, तो विंटर में सुबह 5:30 से लेकर 12 बजे तक रहता है, और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहता है। और समर में सुबह 4:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहता है, और फिर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम लोग लाइन में लग चुके हैं, जा रहे सीधा आगे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। देखिए पूरा इतना सारा लाइन लगा हुआ है। जय जय। दोस्तों यहाँ देखिए दो रास्ते, एक रास्ता इस साइड से और एक इस साइड से रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं। बस हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। जय यहाँ जय श्री श्याम लिखा हुआ है, तो आप लोग भी कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए। अब आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताते हैं। घटोत्कच के पुत्र बड़बड़िक को कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। बड़बड़िक बहुत ही शक्तिशाली और बलवान थे। उन्हें वरदान के रूप में 3 तीर मिले थे जिनकी मदद से वह तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में वे भी हिस्सा लेना चाहते थे, और माँ के वचन के अनुसार वे हारे हुए के पक्ष में होकर लड़ते। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला, तब वे ब्राह्मण का भेष लेकर बड़बड़िक के पास पहुँचे और उन्हें रोकने के लिए उनका शीश दान में मांग लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण परिणाम जानते थे, और अगर बड़बड़िक लड़ते तो ये युद्ध कभी समाप्ति नहीं होता। तो बड़बड़िक ने अपना शीश दान देकर श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, और श्री कृष्ण वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण के पूछने पर बड़बड़िक ने युद्ध को देखने का इच्छा प्रकट किया, तो श्री कृष्ण ने उनका शीश बहुत ही ऊपर एक पहाड़ पर रख दिया जहाँ से बड़बड़िक पूरा युद्ध को देख सकते थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांचों पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये बात एक ही व्यक्ति बता सकता है जो पूरा युद्ध को देखा हो। तभी सभी बड़बड़िक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जीत का श्रेय किसको जाता है।
सबके पूछने पर बड़बड़िक कहते हैं कि युद्ध तो सिर्फ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही जीता गया है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़बड़िक को वरदान देते हैं कि कलयुग में वे श्याम के नाम से जाने जाएंगे। तभी इन्हें आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। श्याम आपके दर्शन कर चुके हैं, हम लोग एग्जिट कर रहे। देखिए ये हम लोग गए थे और ये एग्जिट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से रास्ता ही एग्जिट करने का। श्री श्याम देवाय नमः। और दर्शन हम लोग कर चुके श्याम बाबा के, बहुत ही जल्दी में दर्शन करना पड़ा। लगता है कि एक दो सेकंड के अंदर हम लोग बस दर्शन किए श्याम बाबा के, उनको देख पाए। बस हो गया हमारा दर्शन खाटू श्याम बाबा का। जय श्री श्याम। दोस्तों हम श्यामकुंड की ओर जा रहे हैं और श्यामकुंड के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। हम लोग प्राचीन श्यामकुंड दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए जय श्री श्याम। हनुमान मंदिर भी है। देखिए शंकर भूषण हनुमान मंदिर श्यामकुंड के अंदर जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये रहा। और यहाँ से नीचे रास्ता जाने का श्यामकुंड का। देखिए ये है प्राचीन श्यामकुंड जहाँ से श्याम बाबा के शीश मिले थे। और दोस्तों हम लोग पानी छिट लिए अपने ऊपर श्यामकुंड का, तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये था प्राचीन श्यामकुंड पूरा। ये है प्राचीन वाला श्री श्यामकुंड। एक हम लोग आपको दर्शन कराए थे लेकिन ये दूसरा है। चलिए तो इनके भी दर्शन कर लेते हैं हम लोग। इस कुंड में नहाने से आपके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और देखिए ये श्यामकुंड में सब भक्तजन यहाँ पे अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग भी चलते नीचे श्यामकुंड के दर्शन करने नीचे से, और जल अपने आप पर अर्पण करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। सारे भगवान के यहाँ पे देखने मिल जाएंगे चित्र। देखिए फोटो लगा हुआ भगवान जी सबका। और श्याम बाबा का हम लोग पानी अपने आप पे अर्पण कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र पानी है ये श्याम बाबा का, और इसमें माना जाता है आपके सारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम चलते बाहर की ओर। यहाँ श्यामकुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ का फेमस यानी कि खाटू श्याम का फेमस पोहा खाते हैं हम लोग। और पोहा खाने के बाद हम लोग बॉइल्ड कॉर्न खाते हैं। और अब हम लोग चले जाते हैं श्याम द्वार की ओर। दोस्तों यहाँ पूरा देखिए अपना ढोल नगाड़ा बज रहा है खाटू श्याम जी के द्वार पे, और सभी भक्त जो यहाँ पे खुशी से नाच गा रहे। देखिए श्री श्याम सरना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग खाटू श्याम जी का यानी कि श्याम बाबा का। और हमने ट्राई किया आपको पूरा दर्शन कराने का खाटू श्याम जी का। और आपको मेरा यह व्लॉग और दर्शन कराना पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्याम बाबा की और राधे राधे।